होते हुए भी आपसे अपनी भावनाएं छिपा रही हूँ, खुशी का दिखावा कर रही हूँ, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक इंसान को टूटने का इतना दुख नहीं होता जितना तब होता है जब उसका कोई अपना टूटता है। आप पहले ही परेशान हैं और मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। क्या है मिस्टर वालिया, आपने कहा था आप एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, इसलिए मैंने आप जितने बड़े सेलिब्रेशन के हकदार हैं उतना तो मैंने कर पाई, पर जितना हो सका आप। नहीं वाली, मेरे को ऐसा ही सेलिब्रेशन चाहिए था। इट्स अपने अंदर इतना दुख समेट कर अपने अपमान को भुलाकर आप मुझे खुश करने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ मेरी एक मुस्कुराहट के लिए। तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बहन, तुम मुझे हमेशा खुश देखना चाहती हो, तो आज मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया।
क्या जिज्ञासा? इस तरह न्यूज़पेपर फेंकने का क्या मतलब है? तुमने तो अपने बेटे को घर के बाहर फेंक दिया आदित्य, मैंने तो सिर्फ न्यूज़पेपर फेंका है। और जो फेंका है उसे उठाओ और पढ़ो। हिम्मत है तो पढ़ो आदित्य, देखो वालिया इसका कैसे मजाक बनाया है मीडिया ने। एक दौर था जब वालियास के पीछे प्रेस वाले भागते थे, वालियास न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हुआ करते थे, पेस्ट्री वाले पीछे पड़े रहते थे कि फोटोग्राफ दीजिए। और आज देखिए उन्हीं न्यूज़पेपर वालों ने हमारा क्या मजाक बनाया है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जय भैया के साथ प्रेजेंटेशन के वक्त क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ है? पढ़िए ना मासी, आप खुद पढ़िए, देखिए आपकी बानी बहू ने क्या किया है, क्या क्या दिन दिखा रही है वो, पता नहीं आगे क्या करने वाली है। जिज्ञासा, मेरे साथ जो हुआ वो मेरी प्रॉब्लम है, इट हैज नथिंग टू डू विद यू। जय भैया, मेरे वाकई समझ में नहीं आता आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं, कल क्या क्या हुआ आपके साथ, लेकिन आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। आपकी बीवी ने आपकी सारी अच्छी बातें छोड़कर ये बुरी बात बराबर पकड़ ली है आपकी, वो भी आप ही की तरह शांत है, इसीलिए तो आपकी बीवी वहां पर आपके साथ होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकी, या उसने कुछ किया ही नहीं, इसीलिए तो रात को वापस आ गई और खाना खा के मस्त सो गई। महाराज जिज्ञासा क्या कह रही है तुम? उससे क्या पूछ रहे जय भैया, वो शायद झूठ बोलते लेकिन न्यूज़पेपर तो झूठ नहीं बोलेगा ना, देखिए न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ है। और क्यों नहीं जाती जय भैया? बानी भाभी को तो आपकी बेइज्जती का लाइव टेलीकास्ट देखने का शौक है, थी वो आपके पास वहां पर। आइए बानी भाभी, आप भी देखिए आपकी खूबसूरत तस्वीर छपी है, आयरन वुमन जो सब कुछ सह सकती है, देखिए। इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा ड्रामा बनाने की क्या जरूरत है? सही कह रहे हो आदित्य, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं क्यों हर बात पर रिएक्ट करती हूँ, क्यों मुझे तकलीफ होती है जब अपनी अपनी फैमिली की बर्बादी देखती हूँ, अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिलते हुए देखती हूँ, तो मुझे क्यों तकलीफ होती है? मुझे भी तुम्हारी तरह नॉर्मल बनना चाहिए। मैं आगे से रिएक्ट करना छोड़ दूंगी आदित्य, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, सही है, अब तक मुझे आदत हो जानी चाहिए थी। बानी ने हमारे साथ कितना कुछ किया है, हमें बार बार बर्बाद करने की कोशिश करती है, हमारी बार बार बेइज्जती करने की कोशिश करती है, तो मुझे अब तक आदत हो जानी चाहिए थी। Why do I react? जैसा you shouldn't, you are right. आइए सब लोग खुशियां मनाते हैं, कुछ मीठा हो जाए। अरे भाई कोई मिठाई ले आओ, आज कितने खुशी का दिन। या फिर बेटर आइडिया बानी भाभी, चलिए हम साथ मिलकर कहीं बाहर चलकर खाते हैं, आपके फेवरेट 5-स्टार होटल में चले, उसी 5-स्टार होटल में जहाँ पर हमें लूटने के बाद आप अपराजित देव के साथ ऐश किया करती थी, चले। या फिर आपका वहां पर दिल नहीं लगेगा क्योंकि अपराजित देव हमारे साथ नहीं है। जिज्ञासा स्टॉप इट। ओ जय भैया, क्या है, क्यों हाइपर हो रहे हैं? आदित्य कह रहे हैं ना छोटी सी बात है, मत टेंशन लीजिए सब ठीक हो जाएगा। चुप करो जिज्ञासा, नाटक करना कब बंद करोगे? नाटक मेहंदी आपकी प्यारी बहू करती है मासी, जिस दिन आपको आपकी बानी बहू के नाटक समझ में आ जाएंगे ना, उस वक्त आपको पता चलेगा कि वो कितनी गलत है और मैं कितनी सही। तब तक आप अपनी बानी बहू को प्यार करते रहिए, देवी मानिए उसे। आपसे मिलना चाहते हैं। तुम यहीं रुको, मैं उन्हें आने का। अरे क्यों आदित्य, तुम क्यों आगे जा रहे हो? बानी भाभी है ना संभालने के लिए, वही तो संभालती आ रही है आज तक। जाइए बानी भाभी, आपके फेवरेट प्रेस वाले आ गए, आपको फिर से एक बार पब्लिसिटी मिलेगी बानी, जाइए चलकर अच्छा इंटरव्यू दीजिएगा, सबको बताइएगा कि देवी बनकर लोगों को कैसे बर्बाद किया जाता है। इस वक्त बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ प्लीज। ऑफ कोर्स जा रही हूं जय भैया, क्योंकि मुझे अपना और अपने खानदान का तमाशा बनाने का कोई शौक नहीं। मिस वालिया चलिए।
मिस्टर वालिया, क्या सच है कि कल मिस्टर भटनागर की पार्टी से आपको बेइज्जत करके निकाल दिया गया? मिस्टर वालिया, आपको पार्टी से बेइज्जत करके निकाला गया, इसकी वजह कहीं आपका डाउनफॉल तो नहीं? अपराजित देव आपके सारे पैसे लेकर कहाँ चला गया? क्या वालिया इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी? आपका घर भी नीलम हो जाएगा? मिस्टर वालिया, एक अहम सवाल, जो लोग आपकी कंपनी से जुड़े हुए हैं उन लोगों का क्या होगा? क्या उनका घर बर्बाद हो जाएगा? क्या वो लोग सड़क में आ जाएंगे? क्या आपकी माली हालत इतनी खराब हो गई कि आपको दूसरों के पास काम के लिए जाना पड़ता है? मिस्टर वालिया, क्या है? सही है कि आपकी वाइफ और मिस्टर अपराजित देव के बीच कुछ रिश्ते हैं? प्लीज प्लीज बोलिए, आप तो बताइए। एक सवाल मैं भी आप सबसे पूछना चाहती हूँ। आप लोग यहाँ क्यों आए? मिस्टर वालिया की बेइज्जती से इस समाज को या इस देश को कोई नुकसान पहुंच रहा है? आप यहाँ सेंसेशनल न्यूज के लिए आए हैं। ये न्यूज देखकर लोगों को मजा आ रहा है। जिस आदमी ने इतने सालों तक लोगों को नौकरी दी, उनका घर चलाया, मदद मांगने पर उनकी मदद की, आज जब उसके पास कुछ नहीं बचा, जब उसको काम की जरूरत है, तो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज बन गई। आज मिस्टर वालिया के पास कुछ नहीं है। आप सबके सामने, इस समाज के सामने वो एक हारे हुए इंसान होंगे, पर मेरे इस परिवार के वो आज भी सबसे बड़े विजेता हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उनमें हिम्मत है कि वो दोबारा उठने की कोशिश करें। इस शहर में हजारों लोग रोज सुबह घर से काम करने के लिए निकलते हैं, काम ढूंढने के लिए निकलते हैं, ताकि वो अपने परिवार को सहारा दे सके, अपना घर चला सके। आज अगर मिस्टर वालिया ने कोशिश की कि वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को सहारा दे सके, काम ढूंढने के लिए निकले हैं, तो आप सबके लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। मुझे पूरा यकीन है इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मिस्टर वालिया अपना मुकाम दोबारा हासिल करेंगे, चाहे आप लोग उन्हें कितना भी नीचा देखो। मिस्टर वालिया वो सूरज है जो डूबने के बाद दोबारा उठकर सबको रोशनी देगी। आज भी मिस्टर वालिया मेरे और मेरे परिवार के सबसे अच्छे पति हैं, सबसे अच्छे बेटे हैं और एक सबसे अच्छा पिता है। खुशी की बात और भी है, पानी अब पॉलिटिशियन बनने के लिए क्वालिफाई हो गई है। देखो कितना अच्छा भाषण दिया उसने, और अच्छी एक्ट्रेस तो वो है ही। चलिए अब सब बैठ के इंतजार करते हैं पानी का अगला झटका क्या होगा। और तुमने मुझे बताया नहीं। मिस्टर वालिया, मैं आपको आपकी फाइल देने आई थी। बिना वजह तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ा। I'm sorry, पानी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन मैं नहीं संभाल पाया। पानी, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, सिर्फ इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा। I'm really sorry. मिस्टर वालिया, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आपने इस परिवार के लिए कितना किया है, कितनी बदनामी सही है, और इस सब की वजह कहीं ना कहीं मैं हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी आपने मुझे कुछ नहीं। पानी, मैं कितनी बार कह चुका हूँ तुमसे कि तुम मेरी परेशानी की नहीं, मेरी खुशी की वजह हो, मेरे जीने की वजह हो। हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ छुपाया सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की खुशी चाहते हैं ना। हाँ मिस्टर वालिया, अब समझ में आ रहा है।
पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे की खुशी में होता है। अब हमारा रिश्ता पूरा हुआ है। काशी कुछ तो खा लो, कब तक भूखी रहोगी? नहीं रानू, मुझे भूख नहीं है। जब भी भूख लगेगी मैं खा लूंगी। तुम जाओ, वरुण को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। राशि, ये क्या पागलपन है? तुम ऐसी हालत में खाने से मना कर रही हो? तुमने रिपोर्ट्स देखे हैं ना? मैंने कहा ना रानू, मुझे नहीं खाना खाना, भूख नहीं है मुझे। राशि, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, समझने की कोशिश करो। अब सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं है ये। राशि, तुम क्या प्यार है दो सौतनों में। अच्छा है, किसी ने कहा है ना कि जो दर्द देगा वही दवा भी देगा। पहले किसी का सुख चैन छीन लो, उसकी भूख छीन लो, उसका प्यार छीन लो, उसका पति छीन लो, और फिर उसके बाद किसी को जाके कहो प्लीज खाना खा लो, अपना ख्याल रखो। क्या जादू किया है तुमने राशि पर रानो, बताओ। तुम बहनों की कैलकुलेशंस तो मेरी समझ में नहीं आती। अरे मेरे समझ में नहीं आती तो इस बेवकूफ राशि के समझ में क्या आएगी? मेरे एक बेटे को दुनिया से निकाल दिया और दूसरे को मेरे घर से। क्या क्या सिखाया तुमने राशि को? क्या किया, किस हद तक तुमने कन्विंस कर दिया राशि को कि जो लड़की किसी से आंख उठाकर बात नहीं करती थी, आज उसने अपने पति को, मेरे बेटे को घर से निकाल दी? शर्म नहीं आती तुम तीनों बहनों को? खुद का घर तो बचा नहीं सकती, खुद के पति को अपने पास नहीं रख सकती, और राशि और लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही हो तुम। अभी जिसमें रानी की कोई गलती नहीं है। चुप रहो तुम, बेवकूफ हो तुम। अरे इसी औरत ने तुम्हारा पति छीना, इसलिए तुम्हारी यह हालत है, और तुम उसी की तरफदारी कर रही हो। एक मिनट, तुम इसके साथ मिलकर रणवीर को बर्बाद कर देने का गेम तो नहीं खेल रही? जिसके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाया करती थी कि रणवीर मुझे अपना लो अपना लो, आज उसी रणवीर के पैरों के नीचे से तुमने जमीन खींच ली। तो आप क्या चाहते कि राशि चुपचाप सब कुछ सुन लेती, उसके बच्चे को मारने की कोशिश करने वाले को बख्श देती, ताकि वो फिर से उसे और उसके बच्चे को मारने की कोशिश करे? रणवीर का बच्चा, आपको बस सब कुछ पता होता है, कहाँ क्या हो रहा है सब खबर रखती हैं आप, तो आपको ये कैसे पता नहीं चला कि राशि की कोख में? क्या देख? उस टूटे हुए तारे को देख रही हूँ कि लोग टूटी हुई चीजों में कितना मजा लेते हैं, पर टूटे तारे को इंसान अपनी इच्छा पूरी करने का जरिया समझता है। कभी ये नहीं सोचता कि टूटा हुआ इंसान भी उठना चाहता है अपनों के लिए, अपनों की खुशी के लिए। आज जो प्रेस ने किया वो, ऐसा मत सोचो बन। टूटे हुए तारे के पास भले ही किसी का सहारा ना हो, लेकिन जय वालिया के पास तो तुम हो, और जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मुझे ना किसी की जरूरत है और ना किसी की परवाह। मिस्टर वालिया, चलिए कुछ वक्त हम लोग पानी में चलते हैं। कहते हैं समंदर के पानी में चलने से मन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। चलो। क्या हुआ? लगता है पैर में कुछ चुभ गया। मिस्टर वालिया, लगता है कोई चेन है।
मिस्टर वाले, ये तो मेरा क्रिस्टल है, मेरा लकी चार्म। ओह माय गॉड, इतने वक्त के बाद मुझे वापस मिला है। आई एम सो हैप्पी। ये मेरे पापा ने मुझे दिया था और ये हमेशा मेरे पास रहता था। मुझे वापस मिल गया। मिस्टर वाले, अभी मुझे वापस मिल गया है। आई एम श्योर सारे दुख मिट जाएंगे, अब खुशियां लौट आएंगी। पता है लोग क्या कहते हैं, समुंदर से अगर कुछ चीज वापस मिल जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस इंसान की जिंदगी में खुशियां वापस आने वाली। क्या पता, शायद हमारी जिंदगी में भी खुशियां वापस आने वाली।